हेलो एवरीवन, दिस इज सत्यम उपाध्याय एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल दुर्गम विज्ञान संस्थान। आज हम लोग पीजीटी फिजिक्स का एक प्रीवियस ईयर का प्रॉब्लम देखेंगे और ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आप इस प्रॉब्लम पे बेस्ड एक अपकमिंग एग्जाम में सेम प्रॉब्लम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को आप एज ए बेस लेके सॉल्व कीजिए और इसके ऊपर और भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए। ओके, तो आइए प्रॉब्लम देखते हैं क्या कह रहा है। डीवीएस प्लीज शो द क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन यहाँ आ गया है, देख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन में कह रहा है इफ आई इज द करंट, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन स्क्वायर टू पाई स्मॉल टी डिवाइड बाय कैपिटल टी। ये हमें करंट दे रखा है और यहाँ पे इन्होंने पूछा है देन व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। ओके, तो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फाइंड आउट करना है और जो इंटरवल का रेंज दे रखा है वो स्मॉल टी जीरो से और स्मॉल टी कैपिटल टी बाई टू तक फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहली चीज ये कि हम लोग किसी भी फंक्शन का एवरेज वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देख लेते हैं। ओके, तो सपोज इफ वी हैव ए फंक्शन स्मॉल एफ और हमें इसका एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करना है। एवरेज को इस तरीके से भी नोट करते हैं और कन्वीनियंस के लिए इस तरीके से भी लिख देते हैं। तो एवरेज हमें किन्हीं दो लिमिट्स के बीच में फाइंड आउट करना होगा। तो एवरेज और यहाँ पे फंक्शन लिखेंगे, जो भी फंक्शन दे रखा होगा। सपोज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज एक्स, तो एक्स के रेस्पेक्ट में हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। ओके, साथ ही साथ यहाँ पे भी डी एक्स ए टू बी आ जाएगा। ओके, तो इस फॉर्मूला की हेल्प से हम लोग किसी भी फंक्शन का एवरेज फाइंड आउट कर लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट है, इस पर बेस्ड काफी सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो हम अपना प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम में क्या कह रहा है। प्रॉब्लम में बेसिकली हमें पूछा है द एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट इन द इंटरवल 0 टू कैपिटल टी बाय 2। तो आइए देखते हैं, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। आई एवरेज इज इक्वल्स टू लिमिट्स लगाएंगे यहाँ पे 0 कैपिटल टी बाय 2, ये लिमिट्स दे रखी है और यहाँ पे हम लोग जो हमारा आई दे रखा है फंक्शन वो हम पुट कर देंगे। तो आई नॉट साइन स्क्वायर टू पाई स्मॉल टी डिवाइडेड बाय कैपिटल टी। ओके, तो हमें दे रखा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमारा स्मॉल टी है। तो जब स्मॉल टी है तो इंटीग्रेशन भी हम किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, स्मॉल टी के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ डी टी आ जाएगा डिवाइडेड बाय सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे ए टू बी एंड डी टी। ओके, तो बेसिकली ये एक इस तरह को क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग नॉर्मलाइजेशन कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। तो अगर कोई भी फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं है तो नॉर्मलाइज करने के लिए इसका यूज करते हैं। ओके, तो फर्दर प्रोसीड करते हैं। अब हम यहाँ पे एक फॉर्मूला का यूज करेंगे, मैं उसे यहाँ लिख देता हूँ। वो फॉर्मूला cos 2 थीटा का रहता है। cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। ओके, तो यहां से हम इस फॉर्मूला का यूज इसमें करने वाले हैं। आप लोग यहां से देख सकते हैं जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो मैं इसका सॉल्यूशन यहीं पे लिख दे रहा हूं, तो हमारा आएगा यहाँ पे लिमिट्स भी लिख देते हैं और लिमिट्स हमारा टी बाई टू जीरो। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा टी बाई टू। ओके, तो इस तरीके से हमने इसका टी बाई टू जो भी डिनोमिनेटर में आएगा वो लिख लिया है। अब इसे देखते हैं, आई एवरेज इज इक्वल्स टू ये टी बाई टू, जब टू तो न्यूमरेटर में आ जाएगा एंड टी डिनोमिनेटर में ही रहेगा, तो टू बाई टी हमारा यहाँ आ जाएगा। अब आई नॉट इज द कॉन्स्टेंट, तो इंटीग्रेशन से ये बाहर आ जाएगा। ओके, तो अब ये साइन स्क्वायर टू पाई स्मॉल टी डिवाइड बाई कैपिटल टी जो भी है इसमें हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लिमिट्स जीरो टू कैपिटल टी बाई टू। अब ये जो अप्लाई करेंगे तो हमारा जो फॉर्म आएगा वो इस तरीके से आएगा, कॉस फोर पाई स्मॉल टी डिवाइड बाई कैपिटल टी एंड एक टू यहाँ पे भी आएगा और वो टू कौन सा रहेगा, ये वाला। ओके, सॉरी, ये हमने यहां तक सॉल्व किया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जब हम इसका इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे तो आप यहां से देखेंगे कि इसमें दो टर्म बन रही है। ओके, तो एक पहला तो 1/2 आएगा और दूसरा कॉस 4πt डिवाइड बाई कैपिटल टी होल डिवाइड बाई 2, ये हमारा सेकेंड टर्म आ जाएगा। अब कॉस का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो कॉस का इंटीग्रेशन हमारा जीरो आ जाएगा। जब कॉस का इंटीग्रेशन जीरो आ जाएगा तो जो सेकंड वाला टर्म होगा इसमें वो जीरो हो जाएगा। ओके, तो अब हम यहां से देखेंगे कि हमारा आई एवरेज इज इक्वल्स टू
2 I naught divided by capital T. सेकेंड टर्म जीरो, यहां से सेम मेथड से जो हम अप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन 2 तो ये आएगा ओके, और इसी के साथ साथ यहां से एक टी बाई टू और आ जाएगा ओके। अब आप यहां से देखेंगे टी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में प्रेजेंट है तो ये कैंसिल हो जाएगा, साथ ही साथ एक 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो जो हमारा आंसर मिलेगा वो हमें आंसर मिलेगा आई नॉट वाई टू, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा और ये हमें ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो हमारा जो राइट आंसर और राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ओके। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था, इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, इस पे बेस्ड और भी प्रॉब्लम्स को करेंगे ओके।